और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो साइड एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिड एडिशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये कॉन्सेप्ट बता के कि जो हमारा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव ऑड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्शन लगाता है, फिर आता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, फिर आता है स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लासेस में जो पहले होनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा, ये करना है सब बच्चे। मैम हो गया, हो गया, बताओ ऑर्डर बताओ मुझे। मैम सबसे पहले तो NO2 प्लस आएगा बोन एंगल सबसे ज्यादा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, फिर उसके बाद NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस, फिर NO2 लोन। पूरी सी गलती हो रही है, नाइस ट्राई, ठीक है, इसमें आपको एक चीज मुझे बतानी होगी, इसमें आपकी गलती नहीं है, है ना। देखो ये फ्री रेडिकल है, सबको समझ में आ रहा था ना फ्री रेडिकल है। आप देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले तो इनका स्ट्रक्चर बना लो, तो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, सब लोग अग्री करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना सकती हूँ मैं? यस मैम, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यस, इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, वन डोन पेयर। डोन पेयर नहीं बेटा, मैंने फ्री रेडिकल पहले ही दिखा दिया है यहाँ पे। यस मैम, लोन लोन। हाँ हाँ, ठीक है, इसके बाद ये देखो, ठीक है, और इसके yes, बाद नेक्स्ट देखो sp2 with zero lone pair। ठीक है, ये चारों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, किसी को स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, नो मैम, प्रॉब्लम नहीं है, पक्का? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ये मैंने अब बना। हाँ जी बेटा, अभी कोई कुछ पूछ रहा था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है कि नहीं, sp2 है, sp2 यहाँ भी, sp2 है, sp2, sp2 है, तो इसका मतलब क्योंकि sp का जो बॉन्ड एंगल होता है वो तो सबसे ज्यादा होता है, तो NO2 का मैक्सिमम हो जाएगा, इन तीनों से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो है देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है, हो रही है ना? यस मैम, ठीक है, अब सारी कंडीशन भी फॉलो हो रही है तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, लेकिन जितना इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए था हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज में वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो देखो जो हमारा ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और जिसको एस कैरेक्टर मिल रहे होंगे उसको एस कैरेक्टर पूरा नहीं मिल पाएगा। तो देखो क्या होता है, अब ये एसपी टू है, अगर ये पार्टिसिपेट ना करता तो क्या होता है, अगर ये फ्री रेडिकल ये जो हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है अगर ये पार्टिसिपेट ना करता तो क्या होती हाइब्रिडाइजेशन, बताओ बताओ? मैम एसपी टू नहीं, अभी एसपी टू है, अभी ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर ये पार्टिसिपेट ना करता एसपी एसपी होती तो इसका मतलब पहले एसपी होती अब एसपी टू हो गई, लेकिन क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आइडियल मिक्सिंग नहीं हो पाती है, आइडियल मिक्सिंग नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो sp या sp2 होगा वो पूरा आइडियल नहीं होगा, ऐसा नहीं या तो sp हो या sp2 हो, इनके बीच में कहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इनके बीच में कहीं पे होगा। तो अब आप एक बात बताओ, sp में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। sp2 में sp2
sp2 में कितना होता है? 120 डिग्री. 120. अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक हाइब्रिडाइजेशन लिख दूँ sp1.44, तो इसमें कितना होगा एंगल? 180 से ज्यादा होगा या कम होगा? 120 से ज्यादा होगा या कम होगा बताओ? मैम 180-120 के बीच में होगा. बीच में होगा. इसका मतलब ये जो बाकी sp2 बचे हुए हैं, NO2 का एंगल इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ना ही ये sp है ना ही ये sp2 है, बीच में है. और इसका हाइब्रिडाइजेशन अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही होता है, और इसका एंगल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री होता है. हाँ, 135 डिग्री होता है. ठीक है, तो 135 डिग्री होता है, तो नेक्स्ट आ जाएगा ये. अब आप इन दोनों में डिसाइड करो, और इन दोनों में डिसाइड करना बहुत सिंपल है. मैम NO3 माइनस का ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल. क्यों होगा ये भी बता दो. मैम बिकॉज जीरो लोन पेयर इज प्रेजेंट. हाँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो डबल बॉन्ड की रिपल्शन से ज्यादा होता है. ऑर्डर बताया था या नहीं? सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे किसका ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर और डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड. लोन पेयर का ज्यादा होगा तो एंगल ज्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए NO3 माइनस पहले आ जाएगा और NO2 माइनस बाद में आएगा. तो जो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा NO2 प्लस ग्रेटर देन NO2 मतलब फ्री रेडिकल, उसके बाद NO2 माइनस NO3 माइनस, और उसके बाद हो जाएगा NO2 माइनस. Is the order clear to everyone? Yes, ma'am. Everyone, सब लोग बताएंगे क्लास में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बस आप ये एक्सेप्शन याद रख लेना कि अगर आपको, और ये देखो ये बहुत ज्यादा आता है, बॉन्ड लेंथ हो या बॉन्ड ऑर्डर हो या बॉन्ड एंगल हो, नाइट्रोजन की ये जो ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको भी दिखाई दे जाएंगे, नीट में भी और जेई में भी. ठीक है, तो ये हम आप याद कर लेना, ये जो केस है आप याद कर लेना, ये ना ही sp होता है ना ही sp2 होता है, समवेयर लाइज बिटवीन sp एंड sp2. ठीक है, सब लोग याद yes, कर लोगे. चलो गुड. आज फिर हमने और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में जो भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया है. ठीक है, एक बॉन्ड एंगल का भी कंपैरिजन कर लिया. बस एक चीज मुझे आपको सिखानी है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ऑड इलेक्ट्रॉन जो स्पीशीज होती है वो डाइमराइज करती है. ये देखा है आपने कि Cl का फ्री रेडिकल Cl के फ्री रेडिकल के साथ मिलके Cl2 बना लेता है. यस मैम. ऐसा देखा है, वो जो रिएक्शन होती है, चेन इनिशिएशन हो गया, फ्री रेडिकल इनिशिएशन जो होता है, उसके बाद प्रोपगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है. तो उसमें क्या होता है, टर्मिनेशन वाले स्टेप में ये इसके साथ मिलके वापस दोबारा से Cl2 बना लेता है. हाँ, फ्री रेडिकल मिलके डाइमराइज हो जाते हैं. ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया, दो इक्वेशन दे दी और पूछा बताओ कौन पहले डाइमराइज होगा, तो आप कैसे बताओगे? जैसे CH3 दे दिया आपको और CF3 दे दिया, बोला गया कि इससे बन रहा है C2H6 और इससे बन रहा है C2F6. ये है K1 और ये है K2. K1 और K2 आपके फॉर्मेशन कांस्टेंट है. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी है फॉर्मेशन कांस्टेंट. तो अब K1 ज्यादा होगा या K2 ज्यादा होगा? K1 के ज्यादा होने का मतलब है कि ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा, K2 के ज्यादा होने का मतलब है ये जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा. तो कौन सा बेटर ओवरलैपिंग, कहां जल्दी रिएक्शन होगी, K2 और K1 बताओ. थोड़ा सोच ना, मैंने आपको ये सिखाया था इनिशियल क्लासेस में कि ओवरलैपिंग कहां बेटर होगी ये कैसे चेक करते हैं, सिखाया था नहीं बताओ? क्वेश्चंस भी कराए थे, याद है सबको? और कोई आंसर देना चाहेगा इससे अलग? कुछ दो ही आंसर है ऐसे तो.
एनीवन एल्स, सबको केवल लगता है? देखो बेटा क्या होगा, मैंने आपको बताया था CH3 फ्री रेडिकल में जो हमारा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्योर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, है ना? और CF3 के केस में ये एक हाइब्रिडाइज्ड sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है? तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर पेरेंट जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो उसके पेरेंट ऑर्बिटल से बेटर ओवरलैपिंग दिखाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 2s 2s की बेटर ओवरलैपिंग होगी, 2p 2p की बेटर ओवरलैपिंग होगी, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि 2p 2p की बेटर होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम शेल होती है तो हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा वहां पे ओवरलैपिंग बेटर, ठीक है? अगर मैं आपको ऐसा दे देती 2s 2s, अब मैं आपका रिविजन करा रही हूं तो ध्यान सुन लो, 2p 2p और 1s 1s, तो अब क्या हुआ, अब कौन सा सबसे अच्छा होगा? 1s 1s. जैसे ही शेल चेंज हुई तो हम एनर्जी देखने लग जाते हैं, जिस शेल की एनर्जी कम वो शेल बेटर ओवरलैपिंग करती है, मतलब वो ऑर्बिटल बेटर ओवरलैपिंग करता है, तो क्योंकि वन शेल में हमारे जो ऑर्बिटल्स होंगे सेकंड शेल के ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए ये ओवरलैपिंग बेटर होगा, 1s 1s बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है. लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल दू 2s 2s 2p 2p या फिर sp3 sp3, जो कि किससे बना है, s 2s और 2p से, 2s और 2p की मिक्सिंग से जो sp3 और sp3 बने हैं उनकी ओवरलैपिंग बेटर होगी या पेरेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बेटर होगी, बताओ? मैम हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेटर होती है, मैंने आपको सिखाया था. तो यहां भी तो यही हो रहा है ना, ये 2p है और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है ये 2s और 2p की ही मिक्सिंग से बना है, तो बताओ कौन सा बेटर होगा, 2p 2p ओवरलैपिंग बेटर, 2p 2p. अब आप पूछोगे मैम 2p 2p ओवरलैपिंग कहां हो रही है, आप एक बात बताओ, तभी दोनों जॉइन होंगे तो कैसा होगा आप देखना, यहाँ पे हमारे दो p ऑर्बिटल्स होंगे, वो ऐसे मिक्सिंग करेंगे, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से, सिमिलरली यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, तो आप बताओ कहाँ पे बेटर ओवरलैपिंग होगी, CF3 रेडिकल की, CF3 रेडिकल में. तो संकल्प K2 बड़ा होगा या K1, आप बताओ? K1 मैम, क्योंकि ये पहले होगा ना बेटा, जहां ओवरलैपिंग बेटर हो रही होगी वो जल्दी जल्दी ओवरलैप करेंगे, या जहां ओवरलैपिंग कम हो रही होगी, आप खुद सोचो, आप बताओ. मैम K2 पहले होगा. हाँ, K2 ग्रेटर देन K1, है ना? एक और, इससे हमें क्या पता चला कि जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही हो वहां पे डाइमराइजेशन जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ भी काफी डाइमराइजेशन होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग बेटर मिल रही है. लेकिन अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, उसमें दूसरा कंसेप्ट ले लूं, वो कंसेप्ट क्या है, इससे बन रहा है Cl2O4 और इससे बन रहा है Cl2O6, K1 K2. अब बताओ K1 बेटर या K2? मैम K2. K2 बेटर होगा. फिर से क्यों, क्यों बताओ? मैम फर्स्ट वाले में लोन पेयर के आने की वजह से प्योर पी कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा, प्योर इसको एस कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा, जो हमारा ये फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, इसको एस कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट मिलेगा, तो ये प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और ये sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, तो फिर से K2 ग्रेटर देन K1 हो जाएगा. तो इसका मतलब हमारा जो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो डाइमराइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है. क्या बोलोगे, लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो डाइमराइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है, क्लियर है? यस मैम.
सबको सब कुछ समझ में आया अभी तक? यस मैम। चलो आज आपको मैं एक बहुत अच्छा नया सा कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करना, ओके? देखो मेरे पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, इससे जुड़ा है ऐसे, ठीक है? एक तो मेरे पास ऐसे है, दूसरा मैं बनाती हूं, ये जो मैं बना रही हूँ सिक्स मेंबर रिंग, ये कौन सी रिंग है? बेंजीन। यस, फिनाइल रिंग है, ठीक है? चलो अब बताओ मुझे, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, ये वन है, ये टू है, रेजोनेंस पढ़ा है सबने? रेजोनेंस कैसे होता है पता है? यस मैम। ठीक है, बताओ रेजोनेंस वन में ज्यादा है या टू में ज्यादा है? वन और टू। मैम सेकंड वाले में। सोच समझ के किसमें ज्यादा है? सेकंड। सेकंड में। और कोई कुछ डिफरेंट आंसर देना चाहता है? बताओ। एनीवन? रेजोनेंस को सबने पढ़ा होगा, कुछ तो आंसर करो सब लोग। ट्राई तो करो, गेस करने का ट्राई तो करो, ऐसे थोड़ी ना हथियार डाल देंगे बिल्कुल। ट्राई करो थोड़ा। वन और टू। संकार मैं वन लग रहा, मैं वन लग रहा है क्योंकि इसमें वो आ रहा है ना डबल बॉन्ड लोन पेयर, तो इसमें थ्री डबल बॉन्ड है, इसमें थ्री डबल बॉन्ड है, और मैम बेंजीन में ज्यादा रेजोनेंस होता है। हां यस मैम, इसमें सेकंड। देखो यहाँ पे रेजोनेंस वन में होगा, लेकिन रीजन पता है क्या होगा? ये है गलत, इसमें ज्यादा होगा। रीजन ये होगा बेटा, शालिनी आंसर कर रही थी ना, शालिनी समझो, थ्री फिनाइल रिंग बहुत बड़े बल्कि ग्रुप हो गए हैं, ठीक है? तो क्या ये एक ही प्लेन में नहीं रह पाएंगे, तो क्या होगा? दो तो रिंग एक ही प्लेन में हो गई है ना, और ये सारी अपना प्लेन बदल लेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि मान लो ये थ्री रिंग्स ऐसे लगी हुई थी, है ना, दिख रहा है सबको? मान लो ये थ्री रिंग्स ऐसे लगी हुई थी, ऐसे दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब क्या होगा, एक रिंग दूसरे प्लेन में चली जाएगी, एक रिंग दूसरे प्लेन में चली जाएगी, ये अलग प्लेन में चली जाएगी, है ना, अलग अलग हो जाएगा, ये ऐसे प्लेन में चली जाएगी, तो सब डिफरेंट प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी है ना, तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना अपना प्लेन चेंज कर लेती है, जिससे कि इनको रिपल्जन ना हो एक दूसरे का, ये स्टेबल रह सके। तो जैसे ही अपना प्लेन चेंज करेंगी, तो जो कार्बन के प्लेन में है, जो भी फिनाइल रिंग, कार्बन सिर्फ उससे रेजोनेंस कर पाएगा, जो फ्री रेडिकल है सिर्फ उससे रेजोनेंस कर पाएगा। जो रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाएंगी, जैसे मान लो ये दोनों अभी एक प्लेन में है, देखो अगर मैं ऐसे प्लेन लेके जाऊं तो ये कट जाएंगे, ये दोनों अभी एक प्लेन में है, लेकिन मैंने इनको ऐसा कर दिया, मतलब ये इधर है, समझ जाओ, मतलब ये इधर डायरेक्शन में थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है? तो आप ट्राई करोगे ऐसा प्लेन लाने का, लेकिन नहीं, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। अभी आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ थ्री डी फिगर, समझ जाओ, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि आउट ऑफ द प्लेन जाने का मतलब सबको पता है या नहीं पता है? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम, पता पता है। यस मैम। यस मैम। कि इस प्लेन में थी सारी, yes, उल्टे प्लेन में चली गई है, तो जो कार्बन का प्लेन था उससे बाहर आ गई है, तो कार्बन अब उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, जो उनके प्लेन में है सिर्फ उनके साथ इंटरैक्ट कर पाएगा, तो सिर्फ एक ही फिनाइल रिंग के साथ वो इंटरैक्ट कर पाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि ये ग्रुप जो है ये बड़े नहीं है, कॉन्जुगेशन हो गया ना, हाँ, और यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है, और ज्यादा कॉन्जुगेशन हो गया इसकी वजह से रेजोनेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है? और वो देखने में तो हमको वही लगेगा, देखने में सीरियसली जिसने पढ़ा है उसको यही लगेगा, लेकिन अगर उसको ये पता है कि ये दूसरे प्लेन में चली जाती है, रेजोनेंस नहीं हो पाता है, तो फिर फर्स्ट आंसर करेंगे, तो रेजोनेंस टू था तो बता देना फर्स्ट, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अब एक और क्वेश्चन है,
जल्दी डाइमराइज होगा बताओ, कौन सा जल्दी डाइमराइज होगा? मैम सेकंड होगा, सेकंड होगा। अच्छा यस मैम। अच्छा ये क्वेश्चन बदल देता है थोड़ा सा, इनमें से कौन सा जो फ्री रेडिकल है हमारा वो स्टेबल है, ये स्टेबल है ज्यादा या वो स्टेबल है? मैम फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, जो रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। और yes, कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैम फर्स्ट ही होगा कि रेजोनेंस इसमें ज्यादा, फिर भी ये अनस्टेबल, क्योंकि मान लो आप पे कोई अटैक करता है, आप पे एक एनिमल का अटैक हो रहा है, ठीक है, एक एनिमल आप पे अटैक कर रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी जाएगी, आप अनस्टेबल हो जाओगे, है ना? होगा कि नहीं? एनिमल अटैक करने वाला होगा आपके ऊपर, एक मान लो लायन अटैक करने वाला है, तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। लेकिन आपके आसपास आके लोगों ने एक रिंग बना ली, ठीक है, आप यहाँ बैठे हो बीच में, और आपके आसपास लोगों ने हाथ पकड़ के एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली, तो क्या आप अब ज्यादा सेफ हो या मैं लोगों को हटा दूं तब ज्यादा सेफ हो, बताओ? लोगों के साथ ज्यादा सेफ हो, तो आप ज्यादा डर लग रहा होगा, अकेले ज्यादा डर लग रहा होगा या लोगों के साथ? अकेले। अकेले कब आप ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा लोगों के साथ या कम लोगों के साथ? ज्यादा लोगों के साथ। तो सिमिलरली, क्योंकि ये हर तरफ से ढका हुआ है ना, हर तरफ से ढका होने की वजह से, और स्टेबिलिटी तो थोड़ी बहुत मिली रही है ना इसको एक रिंग से, और हर तरफ से ढका भी हुआ है, तो इसीलिए ऐसा लगने के बावजूद भी कि ये जो हमारा रेडिकल है हर जगह इसको रेजोनेंस मिल रही है, ये स्टेबल होना चाहिए, उसके बावजूद भी ये स्टेबल होता है। क्या ये बात मैं सबको समझा पाई हूँ या नहीं? मतलब कभी कभी अभी भी हमें इलॉजिकल लगेगी ये बात, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी इलॉजिकल लग रहा था, अब तक मुझे लगता है कि नहीं ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से पढ़ा गया तो इसको ज्यादा स्टेबल पाया गया, फिर इसको एक रीजन से एक्सप्लेन कर दिया, और वो रीजन मैंने आपको बता दिया, तो क्या वो रीजन समझ में आया, बताओ? तो रेजोनेंस ज्यादा इसमें और स्टेबल ज्यादा ये, ठीक है, ऐसे होता है केमिस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट चीजों देखने को मिलती है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है? तो क्या ये सबको समझ में आया? आगे बढ़े? यस मैम। चलो yes, ये हमारा जो फ्री रेडिकल वाला टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला जो टॉपिक था वो यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन अलग आती है, बताया था ना PCl5 पे एग्जाम्पल लेके, बताया था नहीं? यस मैम। तो आज हम सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, ये छोटा सा टॉपिक है, ये और सीख लेते हैं। तो देखो, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में सीखेंगे, तो हमारे पास कैसे कैसे केस हो सकते हैं आप देखना। एक केस तो आपके पास मान लो ऐसा आ गया PCl5 का, ठीक है, जो किसमें टूट गया, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 माइनस। तो इसमें हुआ क्या था कि PCl4 प्लस में टूट के एक क्लोरीन बाहर निकल गया था, और ये क्लोरीन दूसरे PCl5 के पास जाके इसने PCl6 माइनस बना लिया था। तो क्या हुआ, पहले तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद उस जो ब्रेक होके हमारे पास फ्री स्पीशीज आई, उसने यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। एक केस तो ये हो गया, सब लोग इसको नोट कर दो, अगर ये मिस कर दोगे तो फिर भूल जाओगे, एक बार रिवाइज करना घर जाके, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हुआ या नहीं बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम, है ना। तो ये क्लियर हो गया है, तो इसमें हम सीधा निकालेंगे, इसमें आएगा sp3 और इसमें आएगा sp3d2, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस ऐसा होगा जिसमें ऐसे टूटे तो लेकिन कॉम्प्लेक्स ना बने। देखो HgF6 ये टूटेगा तो बनाएगा HgF5 पॉजिटिव प्लस F माइनस, लेकिन HgF7 माइनस जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, ये बनता ही नहीं है, तो ये यहीं पे रुक जाती है,
इसमें तो हमें बताना ही नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसमें बताओ मुझे कैलकुलेट करके HBF5 पॉजिटिव में, ये सब सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। गैसियस में तो आप ऐसे निकालोगे जैसे निकालते हो नॉर्मली, कुछ ब्रेक ब्रेक नहीं करना है। जल्दी बताओ इसमें निकाल के HBF5 SP3D3 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 नहीं बेटा SP3D3 नहीं होगा, एक बार फिर से करके देखो। मैम SP3D2 आएगा। हाँ मैंने यस मैम SP3D2 आ रहा है। SP3D2 ठीक है। सेकंड केस ये हो गया, ये दोनों जल्दी से लिख लो, लिखो जल्दी से, जब लिख लो तो बता देना। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम PBr5 भी तो HCF6 की तरह ही टूटता है ना। PBr5 तो PCl5 की तरह टूटेगा ना। मैम HCF6 की तरह टूटता है शायद वो। हाँ PBr5 देखो रीजन अलग है, टूटेगा तो वो ऐसे ही। आप अगर ये बोलना चाह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा आगे जाके, तो यू आर करेक्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं yes, बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। ब्रोमीन जो होता है ना वो बल्की होता है, तो अगर 6 ब्रोमीन आके लग जाएंगे फॉस्फोरस से तो वो स्टेरिकली अनस्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। यू आर करेक्ट चलिए। ओके यस ओके मैम। नेक्स्ट केस देखें। यस मैम। चलो नेक्स्ट केस कैसा होगा देखना। थर्ड केस, थर्ड केस होगा हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा इस टाइप का ABL, B और ABN। मतलब आप उसको इस तरीके से लिख पाओगे, जैसे N2O5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बीच में ऑक्सीजन NO2, NO2। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे लिख सकते हो वो इस केस में देखे जाएंगे। बताओ लिख पा रहे हो ना इसको, ऐसे लिख सकते हो ना। इसका मतलब जो हमारा साइड एटम है ना, साइड एटम होना चाहिए ऑड नंबर में। ऑड नंबर में क्यों, जिससे कि एक तो बीच में रख दो और फिर इक्वल इक्वल यहाँ पे रख दो, तो इनको ऐड करोगे तो इवन और फिर ये ऑड, ठीक है। ऐसे तो इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे, ऐसे ले आओगे, यहां से ब्रेक कर दोगे आप इसको। जब आप यहां से ब्रेक करोगे तो यहां पे बनेगा NO2+ माइनस और NO2+ NO2+ की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अभी, क्या SP2 SP और NO3- मैम इसकी SP2। यस एम आई क्लियर। यस मैम। यस मैम। एक ये केस हो गया आपके पास। इसके बाद एक अलग केस है, पहले ये वाला लिखो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मतलब ये आपने केसेस अगर ध्यान रखे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन लिखने में। मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा के दिखा दूंगी, ठीक है। जब लिख लो तो बता देना प्लीज। यस मैम। मैम टर्न। चलो सबने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 4 जो है, देखना उस केस में क्या होगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। जिन मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जैसे N2O4 है ना, इसको आप कैसे लिखोगे, NO2 NO2। तो इस केस में ये किस में डिवाइड होता है, ये होता है AB N-1 पॉजिटिव और AB N+1 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। निकाल लो यहां पे N, देखो कितना है N, कितना है हमारे पास, 2 है,
टू यस मैम टू है तो यहाँ पे रख के देखो तो यहाँ पे आ जाएगा एन ओ प्लस और यहाँ पे आ जाएगा एन ओ थ्री माइनस आ जाएगा कि नहीं बताओ ठीक है तो अगर आ जाएगा तो आप मुझे दोनों में हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ मैम NO प्लस की sp और NO3 माइनस की sp2 देखो हाँ ठीक है ये तो sp2 है लेकिन हमेशा याद रखना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाली जाती तो NO क्या है डाई एटॉमिक है कि नहीं NO प्लस क्या है यस मैम डाई एटॉमिक है तो ये स्टार करके लिख लो यस मैम लिखो ये वाला पॉइंट स्टार करके कि डायटॉमिक स्पीशीज में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे ओके डायटॉमिक स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालोगे ठीक है ओके यस मैम चलो नेक्स्ट चले नेक्स्ट देखे एग्जाम्पल लास्ट केस बचा है बस ठीक है लास्ट केस बचा है बस डिस्कस करें यस मैम यस मैम यस मैम ओके 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 लास्ट केस है हमारा एक्स टू टाइप का ठीक है एक्स टू टाइप मॉलिक्यूल जैसे सीएल टू सीएल टू तो इसमें होता नहीं है ज्यादातर आपको और आई टू देखने को मिलेगा तो इसमें क्या होगा ये टूटेगा ये x पॉजिटिव प्लस x माइनस में टूटेगा ठीक है अब क्या होगा एक बारी तो x2 के साथ x पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो x3 पॉजिटिव बन जाएगा और एक बारी x2 के साथ x माइनस ऐड हो जाएगा तो x3 नेगेटिव बन जाएगा समझ गए Yes, ma'am. ठीक है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बी आर थ्री पॉजिटिव और बी आर थ्री नेगेटिव इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाओ देखो ट्राई एटॉमिक है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ठीक है निकाल के दिखाओ मैम बी आर थ्री प्लस का एस पी थ्री और बी आर थ्री माइनस का एस पी थ्री डी एस पी थ्री Are you sure? और बी आर थ्री माइनस को क्या बताया आपने एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी सब लोग बताओ एक ही बच्चा बता रहा संकल पुरुषोत्तम स्माइल आई देयर इन द क्लास यस मैम हाँ बताओ बेटा इसमें बताओ बी आर थ्री पॉजिटिव में जल्दी बताओ सब लोग स्ट्रक्चर भी बनाने बना के देखना पड़ सकता है सही मैम इसकी sp3 बैठेगी br3+ की हां जी हां जी हां जी हां जी यस ठीक है तो अब हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि लास्ट केस है हमारा ठीक है अब क्वेश्चन दूं मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी उसमें आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दो फिर चले जाना लिख लिया सबने यस मैम यस मैम ठीक है अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं अगर सिस्टमैटिकली याद नहीं करोगे तो याद नहीं हो पाएगा इसीलिए जिस ऑर्डर में लिखवाया ऐसे ही याद करना ठीक है एक है हमारे पास Cl2O6 सॉलिड Cl2O7 सॉलिड I2 सॉलिड PBr 5 सॉलिड अभी PBr 5 डिस्कस किया था तो वैसे ही करना है इसको ठीक है चलो करो सब लोग निकाल के बताओ सब लोग कैलकुलेट करके बताओ कौन कौन पहले बताना है कौन कौन से पार्ट में ब्रेक होगा कौन सी दो स्पीशीज मिलेंगी हमें और उसके बाद उनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है ठीक है
सिंपल है ना, कर लोगे, कर सकते हो? यस मैम। चलो करो ट्राई, फिर हम क्लास एंड करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है? ये भी बताना मैम, Cl2O6 की है तो ये बैठेगी sp3d3। sp3d3। यस मैम। मैम पहले ये, मैम पहले ये ब्रेक करेंगे हम इसको, पहले ब्रेक करो ना। यस मैम। Cl4+ सॉरी, क्या बोल रहा बेटा, किस किस में ब्रेक हो गई? मैम Cl4+ नहीं, Cl4+ में मैम वो तो Cl- माइनस एक अलग से होगा ना, इसका Cl4+ और Cl- माइनस। एग्जांपल बताया था, जो स्पीशीज ऐसी होती है ABN टाइप की, वो कैसे ब्रेक करते हो आप? ABN-1 पॉजिटिव, ABN+1 नेगेटिव। अब करके देखो इसमें N क्या बैठेगा, इसको ऐसे तोड़ो, N क्या बैठेगा, N की वैल्यू क्या होगी बताओ? N6 नहीं, 3 होगी, क्योंकि आप Cl3 में ब्रेक करोगे, तभी तो आपको ब्रेक करना बताया ऐसे। यस मैम। तो एक बार 3-1 करो, एक बार 3+1 करो, और माइनस और पॉजिटिव ऐसे लगा देना। अब निकालो, इसीलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है हमें, एक्चुअली ये सभी समझ में आ गए ना, खुद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। आप बताओ क्या आएगा? मैम Cl4- और Cl2+। ठीक है, Cl4- और Cl2+। Cl2+ में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यस sp2। और Cl4- में? sp3। sp3। सबको समझ में आया? एवरीवन इन द क्लास, संकल, यस मैम। ओके पुरुषोत्तम दास, समझ में आया बेटा? लावण्या, भावना, शालिनी, शालिनी तो बोली रही है, भावना आर यू देयर? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। पूछ सकते हो कभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बीच में रोक के। ओके चलो, अब नेक्स्ट वाला करके बताओ, ये दूसरा केस है, क्योंकि इसमें ये देखो ऑड है, उसमें इवन था, करो ब्रेक। ये सब ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चंस को इजी बना देती हैं। ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे? चलो एक पार्ट में आपके लिए कर देती हूँ, इस ये वो वाला टाइप है, ABN बीच में B और फिर ABN। अब आप इसको ब्रेक करो, किस किस में ब्रेक होगा? ये तो बहुत सिंपल था, बहुत जल्दी करना था, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? समझ में आ पा रहा है ये बताओ? है भी सब लोग क्लास में? क्लास में हो अभी तो? संकल्प, भावना, शालिनी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है मैम, पर ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसको बस इसकी तरह लिखो, देखो एक जगह Cl O3, बीच में O, फिर Cl O3। हो गया डिवाइड? हो गया डिवाइड या नहीं बताओ? यस मैम हो गया। यस मैम। जब यहाँ पे ये ऑड होता है तो ऐसे डिवाइड करते हैं, इवन होता है तो ऐसे डिवाइड करते हैं, बीच में ले लेंगे फिर देखो। बस अभी यहाँ से एक एरो बना लो ऐसे, जो इस तरफ है सारी स्पीशीज उसको इस तरफ लिख लो, माइनस साइन ले लो, और जो इस तरफ है उसको इस तरफ लिख लो, पॉजिटिव साइन ले लो, तो बन जाएगा Cl3 पॉजिटिव और Cl4 माइनस। समझ में आया संकल? यस मैम। अब कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन,
मैम सीएलओ फोर माइनस की एस पी थ्री और सीएलओ थ्री प्लस की एस पी टू। एस पी टू यस मैम। ठीक है, आई टू में करो, आई टू तो बहुत इजी है मैम, आई थ्री प्लस और आई थ्री माइनस में टूटेगा। यस मैम, हम कर लियो। ठीक है, तो बताओ हाइब्रिड एडिशन क्या होगी आई थ्री प्लस और आई थ्री माइनस की। मैम आई थ्री प्लस की एस पी थ्री और आई थ्री माइनस की एस पी थ्री डी। वेरी गुड, सबको समझ में आया क्लास में? यस मैम। अब पी बी आर फाइव माइनस करके दिखाओ, अभी डिस्कस नहीं किया था क्लास में जब शालिनी मुझे बोला था, इसमें कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सिर्फ टूट के रह जाएगा, तो एक ही स्पीशीज में आपको बताना है sp3d। मैम ये भी cbr4 plus pbr4 plus और br minus में टूट जाएगा, pbr4 plus में टूटेगा और plus br minus। अब पहले क्या आता था cl minus वाले केस में, समतल cl minus जाता था और एक और pcl5 के साथ ऐड होके pcl6 minus बना लेता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन बहुत बड़ा है साइज में, PBr5 अगर PBr6 माइनस बनता है तो बहुत बल्की हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए यहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो सिर्फ आपको इतने में बताना है हाइब्रिडाइजेशन। तो कितना हो गया sp3, sp3 खाली sp3। क्लियर है संकल? यस मैम। ये क्वेश्चंस लिख लो, दोबारा घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैं जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको बता देती हूँ सारे, जितने मैंने एग्जाम्पल अभी शुरू से लिए, एक बार घर जाके सारे क्वेश्चंस को दोबारा देख लो, नहीं समझ में आए तो क्लास में बताना, अगली में फिर से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिख लो, उसके बाद क्लास एंड कर देते हैं। Cl2O7 N2O5 Cl2O6 Br2 I2 PCl5 सब सॉलिड है, ठीक है, PBr5 N2O4 ये सब सॉल्व करके लाना एक बार दोबारा, ठीक है? ओके मैम। एक और ले लो XeF6, वो भी बताया था मैंने आपको, इसमें भी आगे कुछ कॉम्प्लेक्सेशन नहीं होता है, बस ये XeF5 XeF5 प्लस में और F माइनस में टूट जाता है, ठीक है? चलो लिख लो, सबको सॉल्व करके लाना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्लास एंड कर दीजिए आप, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।
मेरे ध्यान ही नहीं रहा।